दोस्तों आज मैं आपसे एक बेहद ही ज्यादा अमीर और बेहद ही ज्यादा खूबसूरत शहर लॉस एंजलस के बारे में बात करूंगा, जिसको पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम सिटी ऑफ लॉस एंजलस के नाम से जानती और पहचानती है। ये कमाल का शहर दोस्तों अमेरिका की बेहद ही ज्यादा रिच और बेहद ही ज्यादा शानदार स्टेट कैलिफोर्निया में बसी हुई है, और पूरे कैलिफोर्निया का दोस्तों ये सबसे ज्यादा बड़ा शहर भी और सबसे ज़्यादा फेमस भी दोस्तों यही शहर है। वहीं दोस्तों अगर इस शहर के टोटल एरिया की बात करें तो ये बेहद ही कमाल और खूबसूरत शहर कुल मिलाकर 1302 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है। वहीं दोस्तों इस कमाल शहर का अर्बन एरिया 4496 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, तो वहीं इसका शानदार और बेहद ही ज़्यादा हाईटेक मेट्रो एरिया 12562 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वहीं दोस्तों इसकी टोटल पॉपुलेशन 40 लाख को पार कर चुकी है, यानी दोस्तों आबादी भी यहां पर काफ़ी ज़्यादा अब तो बढ़ी चुकी है। ये बात तो आप जानते होंगे कि यहां चलने वाली करेंसी US डॉलर है, जो आज के दिन इंडिया के 75 रुपये के बराबर है, क्योंकि दोस्तों पूरे USA के हर शहर या फिर हर स्टेट में यही करेंसी चलती है। तो चलिए यार, देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही कमाल खूबसूरत और मज़ेदार शहर को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। तो चलिए यार, अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से रखिए तैयार। लॉस एंजलस दोस्तों ये शहर पूरी दुनिया में सही में यार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसके फेमस होने की एक बहुत ही बड़ी खास वजह है यहाँ पर मौजूद हॉलीवुड का साइन, जो कि दोस्तों पूरे वर्ल्ड में यार सही में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। आप तो जानते होंगे कि दोस्तों ये अमेरिका का एक ऐसा शानदार सा शहर है जहाँ पर आपको बहुत सारी टेलीविज़न एक्ट्रेस देखने को मिलेगी, और बहुत सारी अमीर एक्ट्रेस भी आपको यहीं की देखने को मिल जाएगी, और बड़े स्टार्स के यहीं के होने के चलते ये शहर और भी ज़्यादा फेमस हो जाता है। इसके अलावा लॉस एंजलस मिक्की माउस, मिनीस और कई पर्यटक आकर्षणों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, और बहुत सारे लोग तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के चलते यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा लॉस एंजलस पूरे अमेरिका की एक ऐसी कमाल की सिटी है जहाँ का वेदर, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। वैसे तो अमेरिका में आपको ऐसे बहुत सारे यार शहर देखने को मिलेंगे जहाँ पर ना ठंड बेहद ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ का यार टेम्परेचर सही में किसी को भी खुश कर दे, और ऊपर से यहाँ के बीचेस का मौसम वो तो कमाल का है। यहाँ पर बीचेस पर घूमने की फीलिंग दोस्तों किसी को भी पूरा मज़ा दे सकती है। यह पूरे उत्तरी अमेरिका का दोस्तों एकमात्र ऐसा शहर है जिसने 2 बार ओलंपिक की मेज़बानी की है, और ये 2028 की ओलंपिक की मेज़बानी भी करने वाला है। यानी दोस्तों काफ़ी कमाल है ये शहर, और इसका रुतबा पूरे वर्ल्ड में यार सही में अव्वल दर्जे का है। इस बेहद ही अमीर शहर में दोस्तों आपको 105 से भी अधिक संग्रहालय, 225 से भी ज़्यादा शानदार और लग्जरी थिएटर्स और 55 शानदार संरचनाएँ देखने को मिलेगी, जिनके यार लोग पूरी तरह से दीवाने हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेचर की ब्यूटी भी मिलेगी, और शॉपिंग के लिए बहुत ही कमाल की जगहें भी, जहां पर अक्सर यहां की खूबसूरत लड़कियां आपको शॉपिंग करते हुए यार नजर आएंगी। ये शहर दोस्तों अपने बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प उपनामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, जैसे कि दोस्तों इसको कुछ लोग सिटी ऑफ एंजलोस, एंजल टाउन, लाला लैंड, टिंसल टाउन, द बिंग ऑरेंज, सिटी ऑफ फ्लावर्स एंड सनशाइन के नाम से भी जानते और पहचानते हैं, और बहुत सारे लोग तो दोस्तों इसको इसलिए भी सनशाइन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज आपको काफ़ी ज़्यादा समय तक देखने को मिलता है, और ज़्यादातर शहरों के मुकाबले ये शहर ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। कहने को तो वैसे यार ये एक शहर है, लेकिन यहाँ पर आपको 140 से भी ज़्यादा अधिक देशों के लोग रहते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग दूसरे देशों से भी काम करने के लिए पहुँच जाते हैं। यही वजह है कि पूरे शहर में आपको 212 से भी ज़्यादा अधिक भाषाएं बोलते हुए लोग अक्सर नजर आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यार मज़ेदार सही में ये शहर है। इसके अलावा बीचिस का मज़ा कमाल का है, बीचिस पर घूमती कमाल की खूबसूरत लड़कियां किसी का भी दिल चुरा ले। न्यूयॉर्क शहर के बाद अमेरिका में जनसंख्या के हिसाब से लॉस एंजलस दूसरे नंबर पर आता है।
हालांकि दोस्तों ये शहर अमीर भी है, यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम कमाल है, रहने के लिए ज़बरदस्त शहर और यहाँ का वेदर भी सही में काबिलियत तारीफ है। लेकिन जब किसी जगह बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिले ना, तो वहाँ भीड़ तो अक्सर हो ही जाती है, और ज़्यादा भीड़ ही दोस्तों यहाँ पर असली परेशानी की वजह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के लोग हर दिन एवरेज तौर पर अपने 50 मिनट सिर्फ ट्रैफिक में ही गुजार देते हैं। यानी ट्रैफिक दोस्तों यहाँ काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिका के हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ का दोस्तों घर आपको यही देखने को मिलेगा। लॉस एंजल्स प्रमुख तौर पर अमेरिकी फिल्म उद्योग का घर है। लिटरेसी रेट की बात करें तो दोस्तों आज के दिन यहाँ का लिटरेसी रेट है तकरीबन 99.82%, यानी लगभग सभी ही लोग आपको लॉस एंजल्स में एजुकेटेड देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग देखने को मिलेगी 19.80%। हालांकि दोस्तों पिछले कुछ समय में यहां पर काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी बहुत बड़ी वजह है कोरोना वायरस पैंडमिक। रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ 100 लोगों के पीछे आपको 19 से 20 लोग तो बेरोजगार नजर आएंगे, जिसकी वजह ये भी है कि आबादी तेजी से बढ़ी है और काम की तो यहाँ कमी होनी ही थी। वहीं अगर हम पॉवर्टी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी की रेटिंग है लगभग 21%, यानी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों गरीबी की दर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये हैरानी वाली बात है कि अमेरिका में इतनी गरीबी, लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर गरीबी इसलिए भी ज़्यादा लगती है क्योंकि हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा महंगी कीमत की है। लॉस एंजल्स का दोस्तों ये लॉ आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर सकता है कि यहाँ पर कोई भी बैलून ज़मीन से 5 फीट तक ऊपर नहीं उठ सकता, यानी कोई भी दोस्तों बच्चा यहाँ पर बैलून को ज़्यादा ऊँचाई तक नहीं उड़ा सकता। काफ़ी हैरानी वाला और वियर्ड सा ये लॉ है। अगर आप अपने डॉग्स को दोस्तों यहाँ पर चर्च के पास ले आए तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी सज़ा हो सकती है अगर आप लॉस एंजल्स में हो तो। इसके लिए आपको $500 की सज़ा होगी, और साथ ही दोस्तों आपको 3 महीने जेल में भी बिताने पड़ सकते हैं। ऐसा भी दोस्तों कमाल का लॉ यहीं पर है, क्योंकि अमेरिका की ज़्यादातर स्टेट्स और सिटीज़ में डॉग को हर जगह अलाउ किया जाता है। लॉस एंजल्स के कोर्ट के रूल भी दोस्तों आपको हैरान कर सकते हैं। यहाँ के कोर्ट के लॉ के अनुसार आपके लिए पूरी तरह से रोना मना है विटनेस स्टैंड में। ओपेरा स्ट्रीट दोस्तों इस शहर की सबसे ज़्यादा प्राचीन और सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल स्ट्रीट है, जहाँ पर आज भी दोस्तों लोग बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में घूमने के लिए ही पहुँच जाते हैं। स्ट्रीट की वैल्यू ही दोस्तों पूरे वर्ल्ड में इस लेवल की है। इसी के पास में दोस्तों यहाँ का बेहद ही ज़्यादा फेमस और शानदार स्टेशन देखने को मिलेगा, और लॉस एंजल्स का ये बेहद ही कमाल का स्टेशन वर्ल्ड के टॉप स्टेशंस में अक्सर शामिल होता है। तो दोस्तों आप बताइए लॉस एंजल्स के बारे में आपका यार क्या कहना है, क्या ये शहर सही में जन्नत है या फिर अभी भी इसको और आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट में राय ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।